नमस्कार, मैं हूं मनीष सनवर और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम और बड़ी खबर से। 19वीं नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन रांची में हो रहा है। हटवार मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हो रहे इस चैंपियनशिप में देश के दिग्गज एथलीट जलवा बिखेरते नजर आ रहे हैं। 13 अक्टूबर तक चलने वाली चैंपियनशिप में करीब 3 दर्जन एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया है। चैंपियनशिप में देश विदेश के कुल 740 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 253 महिला एथलीट हैं और 487 पुरुष एथलीट शामिल हैं। इस बीच भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 46 खिलाड़ियों की प्रविष्टियां रद्द कर दी हैं जो मणिपुर के नहीं होते हुए भी उसका प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। हाँ, 59वां नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, रांची में खेल कुंभ का आयोजन हो रहा है। बता दें कि 740 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप में कुछ 44 इवेंट्स का आयोजन किया जाना है। अर्जुन मुंडा भी आज वहां पर पहुंचे जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। बता दें कि रांची में खेल कुंभ का आयोजन है और देश विदेश में 740 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और 59वें एथलेटिक्स गेम की अगुवाई झारखंड कर रहा है। 4 दिन तक चलने वाले इस खेल का शुरुआत आज हो गई। इस आयोजन में उड़नपरी पीटी उषा भी शिरकत कर रही हैं। पीटी उषा ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होना चाहिए ग्रास रूट लेवल में ज़्यादा, और उसके बाद एज वाइज फॉरेन एक्सपोजर ज़्यादा मिलना है। हमारे इंडिया में बहुत टैलेंटेड है।